नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। किशोरी का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में 105 किलो गांजा जब्त। SSB ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 50,000। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किशोरी का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। जी हां, तहसील के नांद में 15 साल की किशोरी को डरा धमका कर उसका यौन शोषण किया गया। इसमें वह गर्भवती हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आकाश धनराज काले को गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस सूत्रों के अनुसार किशोरी जुलाई माह में अपने रिश्तेदार के घर विवाह समारोह में उमरेड गई थी। वहां आकाश ने उसके साथ छेड़खानी की थी। किसी को कुछ बताने पर उसने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन पीड़िता को घर में अकेले पाकर आकाश ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद वो लगातार किशोरी का यौन शोषण करता आ रहा था। जी हां, घर की बुजुर्ग महिला को किशोरी के शारीरिक बदलाव को देखकर कुछ संदेह हुआ। चिकित्सा जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। पूछताछ में किशोरी ने आपको बीती सुनाई। गुरुवार 15 दिसंबर को भीवापुर थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने बांधवी की धारा 376(2)(3), 506 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आकाश काले को गिरफ्तार कर लिया। API शीतल खोबरागढ़ जांच कर रहे हैं। सीतामढ़ी में 105 किलो गांजा जब्त। SSB ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार। जी हां, सीतामढ़ी में SSB जवानों ने दो गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर पर सोनबरसा बटालियन के जवानों ने तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल की सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए SSB के जवानों और जिला पुलिस लगातार संयुक्त छापेमारी अभियान चला रहे हैं। जी हां, इसी का नतीजा है कि सोनबरसा SSB 51 बटालियन के जवानों ने 105 किलो गांजे को के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक तस्कर वहां से फरार होने में सफल हो गया है, दो तस्कर गिरफ्तार। जी हां, दरअसल ये मामला जिले के बॉर्डर पर पिलर संख्या 325-2 के पास नेपाल सीमा क्षेत्र में भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसने समय मुख्य आरक्षी सचिन कुमार के नेतृत्व में विशेष गश्ती दल ने तीन लोगों की संख्या में युवकों को रोका। तभी एक वहां से फरार हो गया, जबकि SSB जवानों ने दो तस्करों को धर दबोचा है। पूछताछ करने के बाद उन तस्करों को स्थानीय थाना के हवाले कर दिया गया है। वहां से दोनों तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। SSB के द्वारा पकड़े गए तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र सोनरबरसा पटेल नगर निवासी सुनील कुमार पटेल और गन्नी लाल कुमार के रूप में की गई है। जी हां, वही फरार तस्कर की पहचान रंजय कुमार पटेल के रूप में हुई है। इसके बाद जब्त किए गए गांजे के साथ दोनों तस्करों को स्थानीय थाना के हवाले किया गया है। इस कार्रवाई दल में आरक्षी सुनाज सुजान सिंह, राम कुमार उराव के साथ कई और आरक्षी शामिल थे। तस्करों को भेजा जेल। जी हां, इधर थानाध्यक्ष सुबोरा कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद उन्होंने तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 50,000। जी हां, बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक ने 50,000 रुपए की ठग लिए। 6 माह बाद जब युवक को ना नौकरी मिली और ना पैसे वापस मिले तो वो कोतवाली में तहरीर लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बबरला के मोहल्ला कल्लू नगला निवासी हिमांशु कुमार ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 50,000। बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 50,000 रुपए ठग लिए। 6 माह बाद जब युवक को नौकरी नहीं मिली और ना पैसे वापस मिले तो वो कोतवाली में तहरीर लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया। जी हां, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बबराला के मोहल्ला कल्लू नगला निवासी हिमांशु कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 6 माह पहले नगर का एक हिस्सा युवक उसके पास आया। उसने बिजली विभाग में नौकरी दिलाने की बात कहकर 50,000 रुपए की मांग की। इस दौरान युवक को आश्वासन दिया गया कि अगर नौकरी नहीं मिली तो पैसे वापस मिल जाएगी। अब धीरे धीरे 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन युवकों को कोई नौकरी ना मिली और ना ही पैसे। युवक
कई बार आरोपी युवक के पास पैसे मांगने के लिए गया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी युवक कहता है कि कंपनी पैसे लेकर भाग गई। पीड़िता ने पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।